अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स लेक्चर ऑफ क्लास 10। टुडे आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से करंट एक क्लोज्ड सर्किट में मेंटेन रहता है। मींस कि आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो चार्जेस को पुश करता है एक सर्कुलर राउंड कंप्लीट करने में या एक सर्कुलर क्लोज्ड सर्किट में मूव करने के लिए। बेसिकली करंट सर्किट में तभी मूव करेगा जब सर्किट क्लोज्ड होगा और वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाएगा। प्रॉपर डायरेक्शन मींस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करवाएगा। ईएमएफ अपने कुछ सोर्सेज यूज़ करता है जिसकी वजह से करंट इस क्लोज सर्किट में मेंटेन रह सकता है और करंट फ्लो करता है उस सर्किट में से। तो जब चार्जेस को उन ईएमएफ सोर्सेज की वजह से एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को गेन करते हैं और उस एनर्जी को यूज़ करते हुए वो पूरा राउंड जो है वो उस सर्किट का कंप्लीट करते हैं और इसी तरह करंट जो है वो सर्किट में से फ्लो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के जो सोर्सेज हैं जिनकी वजह से चार्जेस को एनर्जी मिलती है और वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, वो सोर्सेज नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइक केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी लाइक काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन एनर्जीज़ को कन्वर्ट करती हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जीज़ में। क्योंकि जो चार्जेस यूज़ हो करते हैं एनर्जी वो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर फर्दर डिफरेंट एनर्जीज़ में वो कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये सोर्सेज का काम है। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज के जो सोर्सेज होते हैं वो ये काम करते हैं। एंड दीज सोर्सेज आर बैटरीज, थर्मोकपल्स, जनरेटर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ये वो सोर्सेज हैं जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उससे फर्दर फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मज़ीद लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी एंड डिफरेंट एनर्जीज़ में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सबसे पहले सोर्स डिस्कस करते हैं बैटरी। बैटरीज़ क्या करती हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड थर्मोकपल्स इज अनदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डैट कन्वर्ट्स द हीट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्मो मीन्स हीट, तो थर्मोकपल्स एक ऐसा सोर्स है जो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली इसी तरह जनरेटर है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब जनरेटर्स में एक कोयल होती है जो रोटेट करती है और मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो ये थे हमारे पास जो सोर्सेज हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के, जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में ये पढ़ा कि ये एक ऐसी फोर्स है जो करंट को एक क्लोज सर्किट में करंट की पोजीशन जो उसको मेंटेन करती है, मींस के क्लोज सर्किट में आप ये कह सकते हैं कि पुश करती है, ये एक ऐसी फोर्स है उन चार्जेस को ताकि वो एक क्लोज सर्किट में मूव करते रहें। तो इस पुशिंग फोर्स के लिए कोई ना कोई सोर्स चाहिए होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने बैटरी कंसीडर की है। एक बैटरी को अटैच किया है कंडक्टिंग वायर के साथ, उसका एक टर्मिनल पॉजिटिव है और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव है। पॉजिटिव टर्मिनल हमने ए पॉइंट के साथ एडजस्ट किया है और बी जो पॉइंट है उसके साथ हमने नेगेटिव टर्मिनल को अटैच किया है। अब यहाँ से जो चार्जेस मूव करेंगे वो पुशिंग फोर्स अप्लाई करेगी सोर्स ऑफ ईएमएफ डेट इज़ द बैटरी। अब बेसिकली बैटरी में क्या होता है कि एक केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल की वजह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से जो चार्जेस हैं उनको एनर्जी मिल जाती है और वो मूव करते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो अगर कंटिन्यूसली उनका मोशन हमें चाहिए एक वायर में से मूवमेंट करवाने के लिए, तो हमें बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा और जो कि बैटरी कंटिन्यूसली उनको एनर्जीज प्रोवाइड करेगी। जब वो एनर्जीज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगी, हायर पोटेंशियल मीन्स पॉजिटिव चार्जेस, तो जो चार्जेस फ्लो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं, मीन्स हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। तो जैसे ही जब चार्जेस हायर पोटेंशियल से दोबारा लोअर की तरफ, मीन्स लोअर की तरफ आना, उनकी एनर्जी लूज़ हो जाना होता है, ठीक है। तो जैसे ही लोअर पोटेंशियल की तरफ आएंगी उनकी एनर्जीज लूज़ हो जाएंगी, फिर अगेन वो बैटरी में से पास होंगी, बैटरी दोबारा केमिकल रिएक्शन क्रिएट करेगी जिसकी वजह से एनर्जीज़ को पुशिंग फोर्स मिलेगी। आप ये कह सकते हो कि एनर्जीज़ जो हैं वो दोबारा डेवलप हो जाती हैं उन चार्जेस में। बैटरी ये एनर्जीज दोबारा रिचार्ज करवाता है उन चार्जेस को और फिर वो एनर्जी यूज़ करते हुए अगेन हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं और फिर हायर पोटेंशियल से अगेन लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। तो कोई भी क्लोज सर्किट है उसमें कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन रखने के लिए वायर के साथ
कोई भी सोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कोई भी सोर्स जो है वो अटैच करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे बैटरी को अटैच किया हुआ है जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो कंप्लीट एक स्टेटमेंट है, उसकी डेफिनेशन है, वो ये बनेगी कि इट इज़ द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ क्लोज सर्किट फॉर द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म व्हेन 1 coulombs ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पासिस थ्रू द बैटरी। बैटरी जो है वो चार्जेस को एनर्जी सप्लाई करती है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव करता है उस क्लोज सर्किट में से और कन्वर्ट होता है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो अगर एक यूनिट की बात की जाए, मींस यूनिट मींस 1, ठीक है, तो 1 पॉजिटिव चार्ज की बात की जाए तो वो चार्ज 1 coulomb चार्ज जो है उस क्लोज सर्किट में से मूव करेगा 1 ampere करंट यूज़ करते हुए, और वो जब एनर्जी गेन करेगा तो उस एनर्जी को जो है वो कन्वर्ट होगी, वो एनर्जी लाइक अगर केमिकल एनर्जी है तो वो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर फर्दर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाती है, लाइक हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। फिजिक्स पे जब एनर्जी की बात हो तो उसको रिलेट करते हैं वर्क से, तो यहाँ पे EMF का फार्मूला बन जाएगा एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैपिटल E से डिनोट करते हैं, एनर्जी को यहाँ पे वर्क की सेंस में लेंगे और चार्ज यहाँ पे कैपिटल Q है। सो द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फार्मूला हमारे पास बनेगा, वर्क का यूनिट जूल होता है और चार्ज का यूनिट कूलम होता है, जबकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फार्मूला है कैपिटल E इक्वल्स टू वर्क पर यूनिट चार्ज। तो वर्क का यूनिट जूल पुट करेंगे और चार्ज का यूनिट कूलम, तो जूल पर कूलम हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट बन जाएगा। अब जूल पर कूलम को हम एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं जिसको हम वोल्ट कहते हैं। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट वोल्ट होगा। तो क्लोज सर्किट में अगर लेट सपोज 2 volts पोटेंशियल अगर बैटरी प्रोवाइड करेगी उस इलेक्ट्रिक चार्ज को, तो इसका मतलब है कि 1 coulomb चार्ज जो है वो 2 joules एनर्जी यूज़ करेगी, और फिर वो ये एनर्जी यूज़ करते हुए उस क्लोज सर्किट में से वो करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स के वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर को यूज़ किया जाता है, और वोल्टमीटर को डायरेक्ट जो उस बैटरी के टर्मिनल्स के साथ अटैच किया जाता है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर, डेट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव।